तो गाइज फाइनली एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है जो कि डीजे डीजा को काफी बड़ी टक्कर दे सकता है तो गाइज इस कैरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर से देखना बिल्कुल तो गाइज तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे मतलब कि फ्री फायर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के हैंडल पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया ऑफिशियल फ्री फायर में तो उन्होंने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट दी है तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर इज़ हैप्पी टू अनाउंस द नेक्स्ट कोलैबोरेशन मतलब कि एक न्यू कोलैब कर रहे वो लोग जैसे कि इंडिया में उन्होंने किया था जय यानी कि ऋतिक रोशन के साथ कोलैब और उनका एक कैरेक्टर निकाला था जिसका नाम उन्होंने जय रखा था ऋतिक रोशन का कैरेक्टर और वो एक कोलैब था इंडिया के साथ गाइस और उसी के साथ गाइस और एक बड़ी कोलैबोरेशन आने वाली है उसका यहाँ पे न्यूज़ उन्होंने दी है तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फायर इज़ हैप्पी टू अनाउंस द नेक्स्ट कोलाब्रेशन फ्री फायर और कश्मीर में यानी कि के एस और नथिंग स्टॉपिंग द क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट एंड नाव विल गेट सी कश्मीर एज अ न्यू कैरेक्टर ए के कैप्टन बुया एंड मे बी अनदर म्यूजिक वीडियो यानी कि दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ दी है मैं आपको यहाँ पे एक बार हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा है इसमें तो क्या इसमें लिखा है कि फ्री फायर काफ़ी ज़्यादा खुश है एक नेक्स्ट कोलैबोरेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि फ्री फायर और कश्मीर यानी कि के एस एच एम आर का न्यू कोलेब्रेशन आने वाला है आपको पता होगा कश्मीर कौन है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मतलब कि ये एक इंडियन डिसेंट के एक डीजे रैपर और उसके साथ एक म्यूजिशन है अमेरिकन म्यूजिशन है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है उसके बाद एक डिसेंट इंडियन डिसेंट के डीजे और उनका रैंक ट्वेंटी थर्ड था डीजे मैक्स में 2015 में मतलब कि टॉप हंड्रेड डी में उनको एवॉर्ड भी मिला है द हाइस्ट न्यू एंट्री तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि डी जे आलोक जिस तरह से उसी तरह का एक कैरेक्टर है उसी आ, मतलब कि एक कैटेगरी में आता है आप बोल सकते हैं डीजे में आता है तो ये भी एक डीजे जे डी आलोक की तरह एक कैरेक्टर आने वाला है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों कि क्या ये डीजे जे आलोक को बीट कर सकता है गेम में और क्या ये कुछ हाइप क्रिएट कर पाता है डी आलोक से भी ज़्यादा मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है क्योंकि गाइज इसे मतलब कि टॉप ट्वेंटी थर्ड डी जे टू थाउजेंड फिफ्टीन में उसे अवार्ड मतलब रैंक किया गया था और उसी के साथ उन्हें उसे आ, मतलब कि टॉप हंड्रेड डी जे में उसे अवार्ड भी द हाइस्ट न्यू एंट्री में मिला था जो कि काफ़ी बड़ी बात है डी जे में और उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है लेकिन वो इंडियन डिसेंट के तो ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों और मतलब कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जो मुझे कोलाब्रेशन लगा इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करना चाहा तो गाइस काफ़ी बड़ी कोलाब्रेशन आने वाली है एक बड़े डीजे प्लेयर के साथ डीजे प्रोड्यूसर के साथ रिकॉर्ड म्यूजिशियन अमेरिकन म्यूजिशन के साथ मतलब कि काफ़ी बड़ा कोलाब्रेशन है तो मुझे लगता है कि ये डी जे को काफ़ी बड़ी टक्कर देने वाला है तो गाइज देखने में काफ़ी मजा आने वाला है और उसी के साथ दोस्तों कैसे ये वीडियो कैसे लगे न्यूज़ कैसे लगे कोलाब्रेशन फ्री फायर के साथ मुझे जरूर से कमेंट में बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे वीडियोज़ के लिए बेल को प्रेस करना मत भूलना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अनटिल देन बाय बाय